मथुरा जनपद में पत्रकारों के साथ होने वाले पुलिस दुर्व्यवहार का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। उच्च अधिकारियों के हस्तक्षेप के बावजूद भी थाने चौकियों पर पुलिस का बर्ताव एवं भूमिका में सुधार नहीं आ रहा है। अभी ताजा मामला सामने आया है, हाईवे थाना क्षेत्र के अंतर्गत गाँव असगरपुर में रहने वाले पत्रकार मुरली मनोहर के साथ हुई घटना का, जिसमें पत्रकार के ही गांव के कुछ दबंग लोगों ने किसी बात को लेकर उस पर जानलेवा हमला कर दिया। जब पत्रकार व उसके परिजन घायल मुरली को लेकर थाने शिकायत दर्ज कराने पहुंचे, तो थाना हाईवे इंचार्ज ने उनकी शिकायत दर्ज करने की बजाय उल्टे हड़काते हुए फर्जी मामला कहकर शिकायत दर्ज नहीं की। पीड़ित पत्रकार व उसके परिजन घंटों तक थाने में बैठे रहे, यहां तक कि उन्होंने पत्रकार साथियों व पुलिस के आला अधिकारियों से भी संपर्क साधकर शिकायत को दर्ज करने की गुहार लगाई। लेकिन 4 बजे हुई इस घटना के बाद 8 बजे रात्रि तक थाना पुलिस ने घायल पत्रकार को मजमूनी चिट्ठी तक भी नहीं दी, जिससे के बाद जिला चिकित्सालय आकर अपना इलाज करा सके। पीड़ित पत्रकार का कहना है कि उसके साथ SI धर्मेंद्र अभद्रता करते हुए मारपीट कर डाली और लॉकअप में भी बंद कर दिया। सोचनीय विषय है कि जब एक पत्रकार के साथ हुई इस वारदात की शिकायत थाने में दर्ज नहीं हो सकती है तो आम आदमी की क्या हालत होगी। हालांकि इस मामले की जानकारी मथुरा के SSP सलभ माथुर जी को भी दी गई। इस पर उन्होंने इसका संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने का भरोसा जताया है। अब देखना है SSP महोदय का भरोसा पीड़ित पत्रकार को न्याय दिलाता है या फिर एक आम पुलिस वाले की तरह महज टरकाने का काम करता है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए दीपक चौधरी की रिपोर्ट, मथुरा। उत्तर प्रदेश में यातायात नियमों का पुलिस पालन करा रही है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के रामपुर के मिलक तहसील से ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें सबको हिला दिया। जी हां, रामपुर के थाना तहसील मिलक क्षेत्र में पुलिस चेकिंग कर रही थी, इसी दौरान बाइक सवार आ रहे 2 युवक घबरा गए। पुलिस ने रोकने के लिए बाइक में डंडा डाल दिया, जिससे बाइक नियंत्रण खोकर फिसल गई, जिससे एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने आनन फानन में सब को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। सूचना लगते ही परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और नेशनल हाईवे जाम कर दिया। पुलिस के खिलाफ हाय हाय के नारे लगने लगे। मामले को बढ़ता देख भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची, आश्वासन देकर मामले को शांत कराया गया। मृतक के परिजन अनिल ने बताया, धर्मपुरा का जो मोड़ है वहां पर पुलिस कर्मी चेकिंग कर रहे थे, उसी के दौरान हमारे मौसा जी आ रहे थे, पुलिस कर्मियों ने बाइक में डंडा डाल दिया, वह फिसल कर गिर पड़े। हमारे मौसा जी की मौके पर मौत हो गई, पीछे बैठा दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस की लापरवाही से मौत हुई। इस मामले में अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं। इस मामले पर कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है, आरोप पुलिस पर गंभीर है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए तुषार सक्सेना की रिपोर्ट, रामपुर। आपको बता दे, जनपद श्रास्ती के गिलोला थाना क्षेत्र ग्राम मोहम्मदपुर कला निवासी राजेश गुप्ता की बेटी को बीते 15 दिन पहले उक्त गांव के राजू, शिवा, पवन, लालजी आदि दबंगों ने घर से रात में उठा लिया था, जिसको स्थानीय गिलोला पुलिस ने 15 दिन बाद गोंडा जिला के कटरा से बरामद कर मामले में एक महिला को आरोपी बनाकर जेल भेज दिया था। लेकिन गिलोला पुलिस के ठोस कार्यवाही अथवा लच्चर रवैये के चलते दबंगों ने फिर से कल मासूम नाबालिग का अपहरण किया और परिवार वालों को जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित का आरोप है कि थाने पर प्रार्थना पत्र देने के बाद स्थानीय पुलिस उल्टा ही पीड़ितों से मासूम का पता लगाने को कहती है, वहीं दबंग मासूम के साथ साथ पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी है। सवाल यह है कि अगर पहले भी दबंगों ने नाबालिग का अपहरण किया था तो आखिर एक महिला को ही क्यों आरोपी बनाया गया, और भी नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई या जेल क्यों नहीं भेजा गया, जिससे साफ जाहिर है कि पुलिस की कार्रवाई संदेह के घेरे में है। वहीं इस मामले में लड़की के पिता ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर अपनी मासूम नाबालिग लड़की को सुरक्षित ढूंढने के साथ आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस मामले में पुलिस के आला अधिकारी मीडिया के सामने आने से कतरा रहे। आज देने आए हैं यहाँ, बिटिया का यहाँ हमरे उठा लेके गए, चले गए रात में, यहाँ रात में बिटिया को उठा लेके गए, सोचना मालूम बहुत, तो अब 100 नंबर पुलिस बुलाया, गाँव बहती में यहाँ हल्ला किया, फिर सुबह बिटिया का यहाँ ढूंढने लगा गवाह, तो पता लाग कि गए, हम रिपोर्ट किया, रिपोर्ट करने के बाद उसको हमका जासूस सुनाए मालूम हुआ, फिर गए नामजद रिपोर्ट उनके पास किया, उस पर पुलिस सुनाए कार्रवाई कही, हमको सबको कह रहा है कि आप जाइए तो मुलजिम को पता लगाइए, तो साहब आप कहाँ पता लगावा जाए, दौड़े धूपे बहुत बहुत दौड़ धूप में यहाँ, फिर बिटिया हमार ही तारीख के हुआ फला जगह तो यहाँ माँ छोड़ी नहीं या कुछ किन, हमारे पास बिटिया हमारी फ़ोन की, फ़ोन करके फिर हम सब महतारी बाप पुलिस को लेके, दरोगा को लेके, महिला पुलिस को लेके अटेंड, आप बिटिया लेके आए थाने पर, यहाँ थाने बिटिया को यहाँ
डरवाए धमकाए के उल्टा बयान पर पुलिस कोशिश की और पर बिटिया का यहाँ थाने में यहाँ 8 दिन रखा उसको शायद थाने पर यहाँ बयान भय यहाँ कोर्ट पर यहाँ बयान भय उसके बाद लिखा पढ़ी से बिटिया हमें कहा दी हैं बिटिया हमका दे दी घर का ले जाए के लिए बिटिया घर का लेके गए उसके बाद फिर इतने दिन के बाद बिटिया का यहाँ स्कूल भेजा कहाँ तक बिटिया का यहाँ अपने सोचना में यहाँ कहाँ तक आगे पीछे रखेंगे फिर बिटिया का यहाँ स्कूल भेजा स्कूल से जिसे निकली बिटिया हमारे मार्केट के बाहर से उठी थी। क्या लगता है आपको कि जो पिछली बार लेकर जो लोग भागे थे वही लोग फिर से आपकी लड़की को लेकर फरार हुए हैं? हाँ वही हम 3 दिन से हमारे घर पर धमकी दे रहे हैं और 3 दिन से धमकी दे रहे गरियाए रहे हैं कि बिटिया का यहाँ मार डालेंगे तब जेल जाएंगे बिचम जेल नहीं जाएंगे। इस बात को आपने मतलब गिलौला थाना पुलिस को बताया? बताया और फिर काज शाम के पुलिस भी पहुंची फिर गांव से घूम के ताला लगा हुआ गांव से घूम के चली। पुलिस ने अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार किया? पुलिस के यहाँ अभी तल्ले उनको ढूंढे नहीं निकला जैसे हम कहते हैं तैसे जाते हैं ताने तैसे कहते हैं आपको पता लगाओ हम साहब कहाँ पता हम कहाँ पता लगाएगा हैं गरीब मने को नो लग निकलेगा मार डालेगा वैसे गाँव भरे में गरियाते घूमते हैं कि मार डालेंगे तब जाके जेल जाएंगे बीच में जेल नहीं जाएंगे। तो लड़की को कौन ले गया है? वही लल्लन शिवा राजू जो है और उसका रामचंद्र का साला। इसके पहले भी आपने तहरीर दिया था पुलिस ने उसमें क्या कार्रवाई की? पुलिस ने तो साहब जो है तो पुलिस तो अपना ध्यान ही नहीं मेरी बात पे दे रही थी हम लोगों से कहती कि कहीं पता लगाओ तो मुझे बताना किस थाने का मामला है गाँव कौन सा है तुम्हारा क्या नाम? राजेश कुमार गुप्ता। पिछली बार भी तुम्हारी लड़की गायब हुई जी जी क्या हुआ था उसमें? फिर उसमें जो हुआ था तो रंजीत के वहाँ मिली थी गोंडा उसकी माँ सरोजा है उसके यहाँ मेरी बेटी थी वहाँ से लड़की मुझे यहाँ कटरा थाने पर छोड़ कर गए थे तो लड़की थाने से फ़ोन किया हमारे पास फिर मैंने वहाँ से थाने से पुलिस लिया एक महिला एक दरोगा गया था और हम लोग गए थे तो वहाँ से लड़की घर थाने लेकर एक हफ्ता थाने पर रखे थे उसके बाद यहाँ पर बयान हुआ कोर्ट से उसके बाद हमारे सुप्रीम में बिटिया की गई हम अपने घर लेकर चले गए फिर उसके बाद लमसम 10-15 दिन रखे घर पर उसके बाद बेटी कहने लगी कि पापा मेरा नाम लिखा हुआ है मेरा नाम लाइफ में है मैं फेल हो जाऊँगी तो मेरे पढ़ने से क्या फायदा कौन का जन्म क्या पढ़ाते हैं क्योंकि कल छोड़ कर हमने घर गए तो 1 बजे छुट्टी हुई फिर 2 बजे तक हम बुला देखा उसका जब तक वो नहीं गए घर 2 बजे के बाद हमें घूमने लगा पता नहीं लगा फिर उस काफ़ी ढीला की नहीं लोगों ने गाड़ी से लेकर चले। पिछली बार जो लेकर भागे थे जो जिन लोगों को आपने आरोपी बनाया था कि इन लोगों ने लेकर हमारी लड़की को फरार हुए हैं तो लड़की तो मिल गई कि अभियुक्त के खिलाफ कोई कार्रवाई पुलिस वाले नहीं की? कोई नहीं की केवल उसकी माँ गायत्री देवी को जेल किया गया उसका अभी तक हम लोगों से पुलिस कहती है कि कहीं कहीं जासूस लगाओ कि लोग कहाँ रखते हैं अब बताइए हम जासूस लगाएंगे कि पुलिस लगाएगी जासूस अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं वो लोग धमकी दे रहे थे कल परसों वाले दिन उसका भाई बड़ा अकाउंट जो है वो आया था मेरे घर के पास गाली दे रहा था कि जब तक मैं इसकी बेटी को। TV1 इंडिया न्यूज के लिए दद्दन सिंह की रिपोर्ट श्रावस्ती। झांसी रोड पर दिव्यांतरण में पूर्व विधायक स्वर्गीय स्वामी लोधी की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा में भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उमा भारती ने बड़े भाई स्वर्गीय स्वामी लोधी को याद करते हुए कहा उन्होंने मेरे लिए अपनी खुशियां भी कुर्बान कर दी। प्रवचन के बाद मुझे राजनीति में आगे लाए और हर समय बच्चों की तरह ध्यान रखा। श्रद्धांजलि समारोह में ये रहे मौजूद भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उमा भारती सहित राज्यसभा सदस्य प्रभात झा, सांसद वीरेंद्र खटकी, निवाड़ी विधायक अनिल जैन, खरगापुर विधायक राहुल सिंह, टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी, भाजपा जिलाध्यक्ष अखिलेश अयाची, अवधेश सिंह राठौर सहित अनेक कार्यकर्ता सहित नागरिक मौजूद रहे। इस तरह झपट्टा मार के शिकार करके ले जो हमें मिला वो आगे भी मिलता रहे ये बात मैंने कमलनाथ जी को कही। मैं उनको मिलने गई नितिन गडकरी जी के कहने पर और PMO के कहने पर मैं अपने मन से नहीं गई मुझे PMO से फोन आया आप भले ही सांसद नहीं है लेकिन केन बेतवा आपकी है। मैंने कहा ठीक है जैसे ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन आई केन बेतवा भी आई मैंने कहा और हम सारा काम कर चुके हैं और केन बेतवा आ गई तो ना सिंचाई की कमी ना पीने के पानी की कमी दोनों कमियां और बिजली भी साथ में उत्पादन होने वाला है। इसलिए मैं कमलनाथ जी को मिलने के लिए गई मुझे नितिन जी ने भी कहा PMO का भी फोन आया और मैंने कहा कि हम तो केन बेतवा की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर चुके हैं। मध्य प्रदेश की 1-2 आपत्तियां थी जिसका निराकरण अखिलेश के समय पर नहीं हुआ लेकिन योगी ने उनका निराकरण भी कर दिया
अब दोनों तरफ की सरकारें बैठी हुई, अब आप केन बेतवा लाइए, अब केन बेतवा की लाने की तैयारी है। और इसलिए आशीर्वाद दीजिए कि जैसे लोग कहते थे पानी आने कहूँ। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए शाहिन निशा की रिपोर्ट, टीकमगढ़। महिलाओं की मदद को लेकर जितनी संजीदा यूपी सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उससे कहीं ज्यादा लापरवाह मनमाना कन्नौज का पुलिस महकमा है। भाजपा नेता व उसके शिक्षक भांजे की सताई महिला को जब इंसाफ नहीं मिला तो इससे मजबूर होकर पीड़ित महिला प्रधानाध्यापक एसपी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गई। पीड़ित महिला टीचर अब मजबूर हो गई है यह कहने के लिए, या तो मुझे न्याय दो या फिर मुझे मौत दो। आखिर एसपी कार्यालय के बाहर महिला प्रधानाध्यापिका क्यों धरने पर बैठ गई? क्यों धर्मिता पर उतारू कन्नौज पुलिस नहीं कर रही है महिला प्रधानाध्यापिका की मदद? ये मामला कन्नौज पुलिस अधीक्षक दफ्तर के बाहर दबंगों की तस्वीर लगा बैनर लगाकर धरने पर बैठी कन्नौज विकास खंड के टिकरा प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका अनुराधा सोनकर है। इस टीचर का आरोप है कि इसके स्कूल में पढ़ाने वाला सहायक अध्यापक सुरजीत सिंह तोमर स्कूल में शिक्षण कार्य नहीं करता, वह स्कूल से गायब होकर ठेकेदारी करता है। जब वह उसकी अनुपस्थिति लगा देती है तो ये उसके साथ गाली गलौज कर गंदी गालियां दिया करता है। उसने बताया कि शिक्षक सुरजीत का मामा हरिबख्श सिंह भाजपा नेता है। सत्ता की हनक दिखाकर उसने झूठे षड्यंत्र के तहत सस्पेंड कराया था। 5 महीने सस्पेंड रहने के बाद जब वह बहाल हुई तो शिक्षक सुरजीत ने उसे दफ्तर में ताला डाल दिया। जब उसने इसका विरोध किया तो सुरजीत सिंह ने उसको जमकर गाली दी और जान से मारने को कहा। पीड़िता ने इसकी शिकायत 2 बार पुलिस अधीक्षक से की लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। सुरजीत महिला शिक्षक का उत्पीड़न करता रहा। न्याय के लिए दर दर भटक चुकी महिला शिक्षिका को जब न्याय नहीं मिला तो उसने न्याय दो या मौत दो का बैनर लगाकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर बैठ। उसका कहना था कि जब तक उसको न्याय नहीं मिल जाता, उसका मुकदमा नहीं लिख लिया जाता, तब तक वह धरने पर बैठी रहेगी और उसके बाज भी न्याय नहीं मिला तो वो मौत की मांग करेगी। 8 से और ये कब आए हैं टीचर? ये आए हैं 4 जुलाई 2016 को। तो 2016 से पहले कोई भी बात नहीं हुआ भैया? तब से लेके कभी तक नहीं हुआ। इधर ये 1 साल से ये विवाद हो रहा है और जब से ये आए हैं हमारे। तो ये विवाद क्यों करता है ये वहाँ पर भैया? ये ठेकेदारी करते हैं। किस तरह की? में आना नहीं चाहते हैं, गैप रहना चाहते हैं। कोई संरक्षण है क्या इनको? संरक्षण में हरिबख्श है जो कि हमने सुना है कोई नेता है, वो उनके मामा लगते हैं। तो यही बचाव कर रहे हैं क्या भैया? मुझे तो यही लग रहा है कि यही बचाव कर रहे, नहीं वरना इतने मतलब ये महिला सुरक्षा के लिए इतने सारे सब मतलब बने हुए हैं कानून, दलित उत्पीड़न के लिए इतने बने हुए हैं कानून, लेकिन मैं पूरे 1 साल से परेशान हूँ और मेरे साथ नहीं हो रहा है, तो ये मुझे लगता है संरक्षण की तो बात है। फिर मेरी FIR क्यों नहीं लिखी गई? और जबकि रोज वो लोग गांव में लोगों को दारू पिलवा रहे हैं और मेरे ऊपर दबाव बनवा रहे हैं, जो मेरे गवाह हैं उनको प्रेशर कर रहे हैं। नहीं, सहायक अध्यापक यूँ तो मैडम तिरवा का है, लेकिन चूंकि जैसे गांव में ठाकुर लोग रहते हैं तो जात का प्रभाव दिखाकर उन लोगों को दारू पिलवा रहा है और जो मेरे वहाँ गवाह है उनके ऊपर प्रेशर कर रहा है कि तुम मतलब अपनी जात की होते हुए मैडम का पक्ष दे रही हो, जबकि वो लोग सच। TV1 इंडिया न्यूज के लिए सोनू भदौरे की रिपोर्ट, कन्नौज। डकोर क्षेत्र के गांव में कच्ची सड़क के पास एक युवक का शव पड़ा मिला था। शव के मुंह को बहुत ही बुरी तरह से कुचल दिया गया था जिससे युवक के शव को शिनाख्त करना मुश्किल हो रहा था और पुलिस छानबीन में लगी हुई थी, जिससे आज पुलिस को सफलता मिल ही गई है और हत्या हुए युवक की शिनाख्त भी हो गई है और हत्या करने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आज जनपद जालौन के तेज तरतर पुलिस अधीक्षक स्वामी प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा बताया कि पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की थी। पूछताछ में महिला ने बताया कि उसका प्रेम प्रसंग का अवैध संबंध बबलू से चलता था, इसी को चलते कई बार उसके पति प्रवीण कुमार ने विरोध भी किया, जिससे महिला को इस बात से परेशानी होने लगी, जिससे महिला ने अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या की योजना बनाई और 3 दिन पहले ही अपने पति को मौत के घाट उतार। इस घटना को अंजाम देने वाला तीसरा आरोपी लखन ने पैसे की खातिर उसने मृतक की पत्नी व उसके प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कराने में दोनों का पूरा साथ दिया और तीनों आरोपियों ने साथ मिलकर युवक की हत्या कर दी, जिससे चलते पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक BL यादव, कांस्टेबल त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी, कांस्टेबल जितेंद्र कुमार, कांस्टेबल अरविंद
जितेंद्र कुमार, कांस्टेबल अरविंद शर्मा, महिला कांस्टेबल रानी देवी व अन्य लोग भी मौजूद रहे। क्या मामला है, क्या खुलासा? 12/7/2019 को डकोर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक लाश पाई गई थी, जिसके आधार पर पुलिस के द्वारा 302-201 का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्तों के बारे में पता लगाया गया। इसमें ज्ञात हुआ कि इसकी पत्नी के अवैध संबंध होने बबलू नामक शातिर अपराधी से होने के कारण उसने जो है अपने अन्य साथियों से मिल करके हत्या की गई है। ये तीनों शातिर अपराधी हैं, जबकि इनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। लेकिन इसमें जो बबलू शातिर अपराधी है वो बहुत ही शातिर है और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है उसकी गिरफ्तारी करने में। सर, पूछताछ में क्या कारण रहा है कि हत्या की? पूछताछ में यह ज्ञात हुआ है कि बबलू के अवैध ताल्लुकात थे इसकी पत्नी से, मृतक की पत्नी से अवैध ताल्लुकात थे। किससे हत्या की, किस हथियार से हत्या की? कुल्हाड़ी से इसके द्वारा मार करके उसकी हत्या की गई। सर के ऊपर चोट पहुंचाई गई और मुंह पर मारा गया कुल्हाड़ी से, जिसके कारण वो सोने में ही मर गया। जहाँ ले जा करके उसको सड़क पर फेंका गया और इसके खाट वगैरह को ले जा करके कुआं में डाला गया और आगे फिर ट्रैक्टर मंगा करके ट्रैक्टर के पीछे ट्राली में इसको डाल करके वहाँ से दूर फेंका गया। ट्रैक्टर ट्राली भी पुलिस के द्वारा बरामद कर ली गई। कितने लोग इसमें गिरफ्तार? इसमें अभी तक इस मृतक की पत्नी स्वयं। TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए समीर मंसूरी की रिपोर्ट, बुंदेलखंड।